नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कैडबरी 5 स्टार के स्टार रमेश जी, जिनका एक्चुअली मूल नाम है राणा प्रताप सेंगर। कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, थिएटर के हमारे साथी कलाकार हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यात्रा के बारे में पूछूं तो कैडबरी स्टार के रूप में आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि कैडबरी 5 स्टार जहां भी आती है आपका जो आनंद है वो आनंद लोगों के जुबान में घुल जाता है। उस आनंद तक पहुंचने के पहले की जो कड़वाहट है, तो यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो थिएटर से शुरू करूं या बॉम्बे से शुरू करूं? कहीं से शुरू करें, जहां से दिल करे। तो बॉम्बे में 2006 में पहुंचा और वहां पे स्ट्रगल जो सबको करना पड़ता है, वहां का नियम, तो वो स्ट्रगल शुरू हुआ और ऐसे ऑडिशन देते रहे, बहुत सारे ऑडिशन दिए। तो फिर पता चला कि यार कैडबरी 5 स्टार का वहां पे एक एड का ऑडिशन चल रहा है, तो हम गए, सारे लोग गए, जितने दोस्त यार थे हम लोग, वहां चले, वहां से तो हम वहाँ गए। तो पहले दिन तो उसने मुझे मना कर दिया कि यू आर नॉट फिट, तो मैं निराश होकर घर आ गया। मैंने कुछ देर फिर हिम्मत करके कि हो सकता है कि यार उसका मन बदल गया हो, मुझे बोल दे गया यू आर फिट, तो फिर मैं फिर गया तो उसने बोला कि अरे तुमको मना किया गया, डोंट फिट, डोंट कम अगेन। वापस आ गया, फिर बड़ा निराश किया है, सब लोग का ऑडिशन ले रहा, मेरा ऑडिशन नहीं ले रहा। तो तीसरे दिन फिर मैं बालों में खूब तेल वेल लगाया, वो स्पेक्स जैसे मैंने पहना उस तरह से पहन के गया, बड़ा चंपू सा बन के गया, अजीब सी शर्ट पहन के। तो बोलते हैं हाँ आप फिट हैं, आप फिट हैं, बोलते हैं आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ। मैंने नहीं, मेरा वो भाई था। अच्छा ओके, यू फिट। तो उसने फिर मुझे बोला आप ऑडिशन। क्या सिचुएशन है बताइए, कि ये संघर्ष भी देखिए, जिद और जुनून देखिए, कि 3 बार 2 बार मना करने के बाद एक शख्स के अंदर एक जिद है कि नहीं, ये जिद क्या मतलब थिएटर, ये जिद जो है तो यूं ही पैदा नहीं होगी, इस जिद के पीछे के बारे में कुछ बताइए। नहीं, अब मैं बॉम्बे जो काम करने गया था वही काम नहीं मिल रहा है, तो मैंने बार बार प्रयास किया कि बार बार प्रयास करने से हो सकता है कि वो चीज सही हो जाए। तो मैंने इसीलिए मैंने 2 नहीं 3 अटेम्प्ट किया, जो कि 5 दिन ऑडिशन चला था और तकरीबन 600 लोगों ने ऑडिशन दिया था उस एक्ट के लिए। तो इत्तेफाक से फिर वो मुझे ऑडिशन देने का मौका मिल गया, मेरे लिए यही बड़ी बात थी। मुझे लगा कि अरे बस मेरा हो गया सिलेक्शन, लेकिन फिर वो उसके बाद भी ये हुआ कि कुछ 50-60 लोग शॉर्टलिस्टेड हुए, उसमें छन्नी में फिर मैं गिर के आ गया। फिर बाद में पता चला कि उसमें भी कुछ 10 लोग बचे हैं, अभी भी कुछ समझ नहीं आते, उस 10 में भी मैं था। तो मैंने कहा चलो उम्मीद बाकी है अभी। फिर फाइनली एक फोन आया कि आपका वो उसमें सिलेक्शन हो गया है और उसमें 3 लोग हैं। तो उसमें नाम नहीं थे पहले, रमेश, सुरेश और तीसरे का नाम नहीं था। तो फिर जब वो बनते बनते जब वो 2 लोग बचे थे, सिर्फ रमेश और सुरेश, तो वो दिन है और आज का दिन है। आज पूरे 15 ईयर्स हो गए, 15 साल से वो रमेश सुरेश कैडबरी 5 स्टार को ऐड में कर रहा हूँ। दुआएं। तो ये कैडबरी स्टार बनने या कैडबरी की इसकी पहली की जो थोड़ी सी यात्रा है उसके बारे में? तो मैं जबलपुर से हूँ बेसिकली, और वहाँ पे इट्टा जबलपुर में काम किया है, बहुत थिएटर किया वहाँ पे। फिर वहाँ से तकरीबन 8 साल काम करने के बाद फिर मैं जनाब हबीब साहब के पास आया, हबीब तनवीस जी के पास भोपाल। तो भोपाल में मैंने तकरीबन 5 साल उनके साथ काम किए, उनके सारे प्लेज में रोल किए, क्राउड में ज्यादा किया है। तो हबीब साहब बोलते थे कि मेरे प्ले में क्राउड ही हीरो है। सही। तो उस पर मुझे काम मिला और फिर बाद में हबीब साहब, मतलब फिर ऐसा था कि अब वो सिखाने के मूड में भी नहीं थे और हम सीखने के मूड में भी नहीं थे, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि अब सारे प्लेज वही थे जो होते आ रहे थे, बस नया कोई नहीं बन रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब रोजी रोटी का हीला तो कहीं निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने बम्बे की तरफ रुख किया और फिर वहीं से संघर्ष शुरू हो गया। मतलब जबलपुर का थिएटर का संघर्ष, फिर भोपाल में आके हबीब साहब के यहाँ का थिएटर का संघर्ष, और फिर बाद में बम्बई का संघर्ष, और वो चल रहा है। बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे के बाद जो आपका संघर्ष था वो तो चली आ रहा है, कठिन होना है, उसने कितनी मदद की थिएटर ने? थिएटर ने कैडबरी स्टार बनने के बाद कितनी मदद की आगे संघर्ष के लिए? हाँ, थिएटर से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से मुझे वो काम मिले, मतलब एड में, फिल्मों में। और 5 स्टार से मुझे काफी रिकग्नाइजेशन मिला और लोग मुझे पहचानने लगे। तो अब मुझे जब बुलाते भी हैं लोग, तो मतलब ये रहता है कि अरे उनको बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा उस तरह से तवज्जो मिलती है, उस तरह से बातचीत होती है, उस तरह से मतलब जो बजट की बात होती है तो उस लेवल पे होती है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट की बात होती है।
और उससे मुझे काफी काम मिला, मुझे बहुत फायदा हुआ बेसिकली। कुछ अपनी फिल्मों के किरदार के बारे में? पीपली लाइव एक फिल्म की थी, उस फिल्म का मैंने डिक्शन भी किया था। रावली राठौर फिल्म की थी, कृष थ्री की थी, एक तीन फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब की और नवाजुद्दीन की, वो की थी। और दो तीन फिल्में हैं जिनके मैं नाम नहीं बताऊँ क्योंकि तो मुझे मालूम नहीं वो रिलीज होंगी या नहीं होंगी। और बाकी चल रहा है संघर्ष, ये थिएटर से भी अभी जुड़े हुए हैं जी। तो मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं एक और फॉर्म करता हूँ दास्तान गोई, जो महमूद फारूकी जी के साथ मैं करता हूँ। और मैं तकरीबन 8 साल से उनके साथ दास्तान गोई कर रहा हूँ और मुसलसल उनके शोज होते रहते हैं वो है। और अभी भोपाल आया हूँ आगरा बाजार करने, तकरीबन 10 साल बाद फिर से आगरा बाजार का शो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, राम भाई ने, राम सुंदर जी ने, नया थिएटर के जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि रोल है तो कर लीजिए। तो मुझे लगा कि मैं उस समय आगरा बाजार में छोटे छोटे रोल करता था, सिपाही को ये पर वो, तो उन्होंने बोला नहीं वो एक एक्टर नहीं है, एक विजय शुक्ला जो एक्टर हैं बहुत बड़े, तो वो नहीं है, तुमको किताब वाले का रोल करना है। तो मैं डर गया कि इतना बड़ा रोल है कैसे करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे मुझ पर इतनी मुझे भरोसा दिया कि नहीं तुम कर लोगे। तो फिर मुझे भी ये भी लगा कि हाँ इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है मैं कहीं एक्सप्लोर कर दूँ, और वो चीज़ मैंने की और अब कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ, देखो शो कैसे होते हैं। बॉम्बे के संघर्ष, बॉम्बे जाना यूँ आसान नहीं है, उसके बारे में अगर कोई आना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहें कुछ हमारे व्यूअर्स को। अगर बॉम्बे आना है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आए, थिएटर का एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपको कभी ऑडिशन देने में या कैमरे के सामने एक्ट करने में आपको झिझक ना रहे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत देता है थिएटर। और लेकिन दोनों की एक्टिंग में बहुत फर्क होता है, थिएटर की एक्टिंग में और मीडिया की एक्टिंग में बहुत फर्क होता है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस थिएटर बहुत सारा चीजें देगी और वो आपको वहाँ काम आएगा। और तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दरअसल ये नाटक करना और अभिनय करना ये बहुत नवाबी शौक है, ये मतलब यूं ही नहीं है, मतलब आपके पास अगर कुछ खूब सारा रुपया पैसा है तो आप थिएटर करिए, क्योंकि थिएटर से आपको उस तरह से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप बॉम्बे भी जाते हैं तो एकदम से ऐसा नहीं कि आप गए और ट्रेन में ही आपको किसी ने बोला कि अरे सर आपकी फिल्म ली है, मैं आप ही के लिए वेट कर रहा था, अगली फिल्म आप ही के साथ कर रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए ये है कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हों ताकि आप ये कहें कि 6 महीने तक आपको कोई काम नहीं मिलेगा, साल भर तक कोई काम नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ 2 साल तक का असला लेके जाइए कि हाँ 2 साल तक कोई काम नहीं मिला तो मैं वहां ठहर सकता हूँ, और 2 साल और 6 महीने भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे एक्चुअली ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तो बॉम्बे आपको तय कर देगी कि आपको क्या करना है, आप तय करके मत जाइए क्या करना है। वो अच्छी बात है कि आप जाए वहां के बोले मुझे एक्टिंग करनी है, और पता चला कुछ 1-8 साल बाद पता चला आपको कास्टिंग करने लगे या असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। तो ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से पैसे लेके जाना चाहिए ताकि आपको संघर्ष करने में दिक्कत ना हो, और थिएटर करके जाना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना आए। तो ये राणा प्रताप सिंगर हैं हमारे साथ, इन्होंने आपको काफी अच्छी सारी बातें बताई कैडबरी स्टार के आगे और कैडबरी स्टार के पीछे की कहानी और दर्द और तकलीफ, और ये भी कि अगर कहीं जाना है आपको वहाँ तो समय लेकर जाइए। तो इसके माध्यम से आप लोगों के बारे में भी जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में भी जानेंगे, अगर आप इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसकी समझाइश भी हम आपको इसी तरह से अलग अलग शख्सियत से बात करके मिलकर आपके साथ बांटेंगे, साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।